किशोर सदा सदा मैम इलेक्शन आ रहा समोर बघा समोर अरे नीचे नीचे आ लो नीचे सब नीचे आपकी आवाज थोड़ी लाउड हो गई ऑपरेशन हुआ है आज हम सभी इस मौके पे आज यहाँ पे मैं बहुत खुशी महसूस हो रही है. बहुत स्पेशल दिन है. आई थिंक इसका क्रेडिट जाता है मेरी मासी को, मेरी मॉम को और मेरी जो दूसरी मासी भी है जो मेरे देवियों को. एग्जैक्टली इनकी वजह से ये हुआ है आज. सो इट्स अ वेरी मेमोरेबल मोमेंट एंड थैंक यू ऑल फॉर कमिंग. थैंक यू. इट्स अमेजिंग. बहुत अच्छी बात है और गॉड ब्लेस माय फादर इन लॉ. इट्स अ बिग थिंग इन आवर फैमिली कि उनके याद में एक सड़क का उद्घाटन हुआ उनके नाम पे. तो हमारी फैमिली के लिए बहुत ऊँची बात है. बहुत अच्छी बात है. बड़ी रिस्पेक्टेबिलिटी है. एंड थैंक यू एवरी वन फॉर कमिंग. पत्नी मैम सेलिब्रेशन झालं घरी काय काही नाही. गुढी उभारली आणि हार्दिक शुभेच्छा पाडवाच्या. आणि आमच्यासाठी मतलब मेरे लिए, मैं हिंदी में बोलती हूँ तो ये मराठी में हो गया. तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है. हमारी पूरी फैमिली के लिए गर्व की बात है कि आज ये मेरे पिताजी के नाम से, पंडित पांडवीनाथ कोल्हापुरी के नाम से आज ये रास्ता इनॉग्रेट हुआ है. और भी उससे ज़्यादा खुशी की बात ये है और स्पेशल बात ये है कि उद्धव जी आए इस मौके पर और हमारा मतलब पूरे फैमिली का मान बढ़ाया और नारियल उन्होंने तोड़ा तो उनके शुभ हाथों से हुआ ये सब. और आशा ताई भोसले भी आई थी जो मेरे पिताजी की बहन है. तो एक पूरा ही एक फैमिली माहौल था और उसमें उद्धव जी आए, वो शामिल हुए तो हम पूरी फैमिली के लिए बहुत ही हा खूप स्पेशल दिवस आहे की या दिवसात हे झालं आहे उद्घाटन इज राईट नो. सो आता मी नेहमी चेक करते. अगदी पंजाबी आणि अगदी मराठी म्हणून तिला सगळं मी प्रयत्न करते बोलायला. पण एवढा स्पेशल दिवस आहे तो विशिंग एव्हरी वन अ हॅपी गुढी पाडवा अँड इट्स अ व्हेरी स्पेशल. थँक्यू. आता कधी बघितली गुढी उभारताना? पाहिली आहेस का कधी? घरी आमच्याच घरी आम्ही उभारतो कारण एकच म्हणजे एकच घर आहे आम्हा सर्वांचं. कपूर म्हणा, सारस्वत म्हणा, शर्मा म्हणा, ते कोल्हापूर एकच आहे. तर तिथे आमचे सगळी दिवाळी म्हणा किंवा गणपती गणेशोत्सव किंवा आम्ही गुढी उभारतो ते एकाच घरी करतो. माझे वडील करायचे, माझी आई करायची म्हणून एकच घर. थँक्यू. थँक्यू.